सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप रियलमी C25 मोबाइल में किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो। चाहे कोई भी ऐप हो दोस्तों, उसको बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर हाइड कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप यहाँ पर ऐप को हाइड करोगे। तो आपको चले जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी का। तो प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐप को लॉक करना पड़ेगा। इसलिए ऐप लॉक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दिख रहा है ऐप लॉक, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने पैटर्न डाल देना है। यहाँ पर हो सकता है आपको ना दिख रहा हो क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। तो दोस्तों आपको पैटर्न डाल देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से सारे सारे ऐप आ जाएंगे। जो भी आपको यहाँ पर हाइड करना है उसको सबसे पहले आप लॉक कर लीजिए। उस पर क्लिक करोगे तो ये लॉक वाली आपको बटन को इनेबल करना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने 3 ऐप को लॉक कर रखा है, आप भी इस तरीके से लॉक कर लेना। उसके बाद आपको हाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे देखोगे तो आपको हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन, इसको आपको इनेबल करना है। इस पर क्लिक करोगे तो सेट एक्सेस कोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेट एक्सेस कोड पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एक कोड बना लेना है जिससे कि आप इनको देख पाओगे। तो यहाँ पर आपको हैज लगाना है सबसे पहले, उसके बाद 4 अंकों का कोई भी डिजिट रख लेना है, उसके बाद फिर से हैज लगाना है। तो दोस्तों ये वाला कोड जो है आपको काम आएगा देखने में, जब जब आप इनको देखोगे तो आपको ये कोड काम आएगा, यानी हाइड ऐप्स को देखने में काम आएगा। तो इसको सेट करने के बाद देखिए दोस्तों, ये ऐप्स जो है वो आपके होम स्क्रीन से हाइड हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हो कि वो एप्लीकेशन जो मैंने अभी हाइड किया है वो यहाँ से गायब हो गई। अब आपको इसको देखने के लिए अपने डायलर में जाना है, और यहाँ पर आपको हैज वही वाला कोड जो है यहाँ पर एंटर कर देना है। और जैसे आप इसको उसी तरीके से हैज लगा करके करोगे तो यहाँ पर देखिए क्रोम जो है मैंने हाइड किया था यहाँ से आ चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर जो है किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो और उसको शो कर सकते हो, यानी देख सकते हो।